हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर। गाजर की खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये आसानी से घर पे बन भी जाती है। चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे हमने 1/2 kg गाजर ले लिया है। सबसे पहले गाजर के छिलके को उतार के हम अलग कर लेंगे। गाजर सर्दियों में बहुत ही सुंदर और लाल लाल अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आसानी से। गाजर को छीलने के बाद ऊपर से और नीचे से काट के हम इसे निकाल देंगे थोड़ा थोड़ा भाग। इधर हम अपना दूध रखे हैं गर्म होने के लिए, जो कि 1.5 किलो था। हमारे सारे गाजर छिल चुके थे और हमने इसे धुल लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मोटे वाले ग्रेटर का हम यूज कर रहे हैं। हमारे गाजर अब घिस चुके हैं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी अब हम डालेंगे और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो रखेंगे। घी हमारा अब मेल्ट हो चुका है, उसमें घिसे हुए गाजर को डाल देंगे। गाजर को डाल के अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे घी में। ताकि गाजर से निकलने वाले सारे पानी जल जाए। यहाँ पे भूनते हुए हमारे देखिए गाजर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसे ही चलाते हुए लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। यहाँ पे हमारा गाजर अब भून के तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब हम 1 कटोरी फ्रेश मलाई डालेंगे। इससे हमारी खीर का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। डाल के अच्छी तरह से इसे मिला देंगे और गरम किया हुआ दूध भी अपना यहाँ पे हम डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। पूरी खीर में फ्लेम को हमें यहाँ पे लो ही रखना है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी खीर जल जाएगी। ये कुछ मेवे लिए हैं, काजू, बादाम और किशमिश, पिस्ते, छोटी इलायची। अगर आपको जो भी मेवे पसंद हो आप ले सकते हैं। और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। खीर को देख लेते हैं एक बार। हमारी खीर अब उबल रही है। चम्मच से किनारे किनारे की मलाई को हम हटाते रहेंगे और खीर में मिलाते रहेंगे। इससे हमारी खीर गाढ़ी होगी। हमारी खीर पक गई है। एक बाउल से थोड़ा कम यहाँ पे हम चीनी मिलाएंगे। आपको जितना मीठा खाना हो आप अपने अनुसार चीनी डाल सकते हैं यहाँ पे, और अच्छी तरह से मिला देंगे।
चीनी मिलाने के 5 मिनट बाद अपने मेवों को हम मिलाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब अपने मेवे को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं जो हमने पहले ही काट के रख लिए थे। इसे भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। खीर का कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इलायची पाउडर को डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। हमारी खीर बनके अब तैयार है और कितनी गाढ़ी टेस्टी खीर हमारी बनी है यहाँ पे। अब इसे सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। नीचे से हमने एक प्लेट लगा लिया था क्योंकि बाउल गर्म हो जाता है। इसे हम कुछ मेवों से सजा लेंगे, काजू बादाम कुछ पिस्तों से। हमारी खीर अब खाने के लिए तैयार है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।